जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, बहुत सारे गर्ल्स के कमेंट थे, बॉयज के कमेंट थे, यूपी पुलिस की फाइनल आंसर की आ चुकी है और बहुत सारे बंदे फिजिकल के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब जानेंगे जो बंदे घर पे बैठे हैं अभी भी उनको डाउट है कि मेरे क्वेश्चन कितने हैं, तो आइए हम गर्ल्स के साथ रिव्यू करेंगे। उसमें ये बताएंगे कि कितने नंबर आपके बढ़े थे और कितने आपके क्वेश्चन गलत में क्या होगा, कैसे गए, सारी की सारी जानकारी गर्ल्स बताएंगे, क्योंकि इन्हीं को पता है कि सारा का सारा मेरिट कितने से बनना है। अगर 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं यानी हटाए गए हैं तो उनके नंबर ऐड होंगे कि नहीं होंगे, आपके कितने बढ़े हैं, कितने क्वेश्चन हुए हैं, सारी की सारी जानकारी। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए फिर, क्या नाम है बेटा आपका? तेज बोलेगा थोड़ा। क्या नाम है? भावना शुक्ला। आपका कितने क्वेश्चन सही है प्रेजेंट टाइम में? 93 सही है। 93। पिछली बार आपके कितने, जब ये फाइनल आंसर की नहीं आई थी, एक बार जो आंसर की आई थी उसमें कितने थे? जी 94 थे, एक कम हो गया सर। एक कम हो गया जी सर। अभी जो क्वेश्चन बहुत सारे बंदे कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो हटाए गए हैं, तो उनका क्या फंडा है क्वेश्चन का? जी सर, वो क्वेश्चन क्या ऐड होंगे या नहीं होंगे? सर वो ऐड होंगे या नहीं ये तो नहीं मालूम, अभी नहीं पता। चलिए, क्या नाम है आपका? अंजलि सिंह। कितने क्वेश्चन से? सर 92। 92। आपको लगता है कि 92 क्वेश्चन से, यानी 92 क्वेश्चन से आपका मेरिट में नाम आ सकता है? ये सर लगता है, उम्मीद है। उम्मीद है, सभी को ऐसा लगता है? ये तो सर पता नहीं, हमें तो लगता है कि आएगा, उम्मीद है। चलिए ठीक है, क्या नाम है बेटा? सुनिधि सिंह। कितने? सर 95 क्वेश्चन थे। 95 थे। अभी पिछली बार की जो आंसर की आई थी उसमें से उसके हिसाब से घटे या बढ़े? घट गए। घट गए, ऐसा क्यों हुआ? अब सर उसमें 3-4 क्वेश्चन थे जो 2-2-3 थे आंसर उसके, तो क्वेश्चन तो हटा दिए गए होंगे ना? क्वेश्चन नहीं हटाए गए सर, क्योंकि मेरे 24 का शिफ्ट सेकंड नहीं था। अच्छा अच्छा, आप वाले में नहीं हटाए गए? क्वेश्चन नहीं हटाए गए, वो उसके नंबर मान लिए गए हैं कि ये ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। दो आंसर। आपका क्या नाम? मेरा नाम है। आपका कितने? सर मेरी, अब हमने कल अभी मिलाया था तो मेरे 93 नंबर हो रहे हैं, क्योंकि मेरे वाली शिफ्ट जो मेरी लास्ट शिफ्ट थी 31 तारीख की, उसमें 6 क्वेश्चन डिलीट किया गया है। डिलीट किया, उसके नंबर आप लोगों को नहीं मिलेंगे? उसे कम से नंबर नहीं मिलेंगे, कहते हैं कि मतलब जितने डिलीट किए गए उतने, जैसे 150 क्वेश्चन थे अब 6 डिलीट कर दिए गए, 143 से समथिंग ऐसे 143-144 जितने डिलीट किए गए उसको हटा के मेरिट, उसी हिसाब से आपका डीबीपीएसटी के लिए नाम आएगा। तो डीबीपीएसटी के लिए कब तक नाम आ सकते हैं बेटा? सर ये तो नहीं बता सकते। और फिलहाल अभी आप लोगों ने पेपर वगैरह पढ़ा होगा? 14-15 नवंबर का। पेपर में पढ़ते नहीं हो आप लोग? पेपर में कुछ सूचनाएं दी गई थी। क्या नाम? खुशी से। कितने, कौन से शिफ्ट में पेपर था? 31 की अगस्त में और 2nd शिफ्ट में। तो क्या आपके उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट किए? 7 कैंसिल करेंगे क्वेश्चन। 7, तो उसके नंबर आपको मिलेंगे? हाँ सर, मेरिट के हिसाब से, उस हिसाब से मेरिट बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि आप फिजिकल कर रहे हैं? यस सर। और फिजिकल में क्या प्रोग्रेस है इधर? बेस्ट है। कितने तक टाइमिंग आ जाती है सर? अभी तो 14-15 से आ रही है। अभी लगता है कि कम हो जाएगा। क्या नाम है बेटा? सलोनी तिवारी। आपका कौन सी शिफ्ट में था? 31 के पास शिफ्ट में। अभी कितने क्वेश्चन आपके ऐड हुए या नहीं हुए सर? माइनस हुए या बढ़े? सर 2 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कि 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट किए गए हैं कि ए भी ऑप्शन सही हो सकता है, बी भी ऑप्शन सही हो सकता है। अच्छा, तो उसका क्या होगा? क्या बंदे कोर्ट पे भी जा सकते हैं क्या? अब आयोग की तरफ से नोटिस आ गया कि इसमें कोई भी आपत्ति जारी करी जाएगी तो उसके लिए कोई मान्य नहीं होगा। अच्छा अच्छा, चलिए। क्या नाम? कौन से शिफ्ट में था आपका? सर मेरा 24 का सेकंड शिफ्ट था। तो अभी आपके 24 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन घटे बढ़े? नहीं नहीं, उतने ही है जितने थे। उतने ही? आपका कौन सा? सर मेरा 24 सेकंड शिफ्ट था। तो कितने क्वेश्चन थे आपके? सर मेरे 104 पहले से ही थे, अभी दोबारा आंसर किए इसमें 105 हो गए, एक क्वेश्चन बढ़ गया। एक बढ़ गया। आपके शिफ्ट में कौन से कटे क्वेश्चन? कुछ नहीं सर, एक भी नहीं। क्या नाम है? सर सालू से। आप कहाँ से? सरसौल से। सरसौल से। कितने, कौन सी शिफ्ट में था आपका? 31 के फर्स्ट शिफ्ट में था सर, 98 मेरे सही हो रहे थे जिनमें से 2 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए, 3 माइनस में चले गए तो 93 बचे। क्या नाम? अंशिका। कितने क्वेश्चन आपके सही है? सर 91। कितने क्वेश्चन? 91। आपको लगता है कि 91 में आपका मेरिट में नाम आ सकता है, यानी डीबीपीएसटी और फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है? तो जो लोग नीचे हैं, यानी 91 से जो लोग नीचे हैं वो अभी फिजिकल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनको करना चाहिए, आपको क्या लगता है? कितने तक? सर गर्ल्स की 170 से ऊपर नहीं, मतलब अंदाजा हम लोग ऐसा लगा रहे हैं। और फिर आगे क्या होता है? क्या नाम है? ये मुझे ये बताइए कि कितने क्वेश्चन तक के बंदों को फिजिकल करना चाहिए? सर वैसे तो मतलब यूट्यूब में हमने देखा था 80 क्वेश्चन तक के भी करने चाहिए। 80 क्वेश्चन जिसके हैं वो भी फिजिकल। फिलहाल अगर नहीं आएगा नाम तो आप फिजिकली फिट तो हो जाएंगे। हाँ है कि नहीं? चलिए, कौन सी शिफ्ट में था आपका पेपर? मेरा था 25 को फर्स्ट शिफ्ट।
25 को फर्स्ट क्वेश्चन कुछ डिलीट किए गए, तीन क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं और दो के ऑप्शन दो दो हैं। अब जो ऑप्शन दो हैं उसमें मतलब जिसमें जैसे बी और सी है तो यदि किसी ने बी किया या किसी ने सी किया उसी को नंबर मिलेंगे वरना किसी को नहीं मिलेंगे। अगर दूसरा किया है कितने कितने क्वेश्चन किए सर? मेरे क्वेश्चन काफ़ी 70 सही हैं, बाकी गलत है, 120 करके आए थे। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, फिर भी आपका लगता है कि मुझे फिजिकल करना चाहिए? जी। अच्छा ए, जो अपने आप में फिट रहना चाहिए, मतलब नहीं भी अगर नहीं भी होगा तो अपने आप में फिट रहेंगे। कितने क्वेश्चन सही थे सर? पहले 94 सही थे और अभी मैरिड जो डी आई है तो उसमें 97 हो गए हैं। तीन क्वेश्चन आपके बढ़ गए। हाँ। अभी मुझे एक चीज ये बताइए कि नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ने हैं क्या? हाँ सर, मैं दो कैंसिल हुए हैं तो उस हिसाब से जिसमें नहीं हुए हैं कैंसिल उसके हिसाब से थोड़ी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। कौन सी शिफ्ट में था? 31 की फर्स्ट सर, मेरा 24 की फर्स्ट शिफ्ट में था। तो अभी क्या लगता है कितने आपके क्वेश्चन कुछ घटे या बढ़े? मेरे तो उतने ही है, बस एक कैंसिल हुआ है मेरी शिफ्ट का, बाकी तो मेरे आपका क्वेश्चन कम हो गया। नहीं मेरा वो हमने किया नहीं था, वो कैंसिल हुआ है। अच्छा, वो वाला मेरे 200 नंबर बन रहे थे, 100 क्वेश्चन सही थे, उतने ही सही हैं मेरा। नहीं सही है। हाँ, एक अभी क्या उम्मीद है कि बढ़ सकते हैं? ये सर बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे नंबर। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, कहाँ से आए? दिल्ली से आई हूँ मैं, आप फिजिकल के लिए। यहाँ पे कैसे आ गए जीडी फिजिकल में? आप हॉस्टल में? हाँ हॉस्टल में हूँ। सर्च किया था यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तो देख कर आई थी। अच्छा था। तो ऐसे तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे चलते हैं। हाँ नहीं तो यहाँ का अच्छा लगा, गर्ल्स के लिए अच्छा था, सेफ्टी थी, हॉस्टल खाना पीना सब रूम दे रहे थे, इसलिए यहाँ आई थी। आपने हॉस्टल देखा था? हाँ मतलब फोन में देखा था। अच्छा, फोन में देखने के बाद जब हॉस्टल पहुँचे तो जैसा दिखाया गया उसी तरह सेम? अभी फिजिकल का क्या इधर रहता है सर? फिजिकल तो अच्छा देख मतलब लग रहा है कि हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस है? यस सर। तो जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे फिलहाल अभी उनके लिए क्या कहेंगे इधर कैमरे? सर जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अगर उनका 170 बन रहा है तो उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है जी। क्या नाम है? शिवानी। तो कितने कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था? सर मेरा 30 की सेकंड शिफ्ट में। अभी कितने क्वेश्चन आपके घटे या बढ़े? सर क्वेश्चन तो एक ही बढ़ा है बट कैंसिल हुए क्वेश्चन तो उसके मार्क्स मिलेंगे। जो कैंसिल हुए और जो डिलीट किए गए उनके? डिलीट मतलब जो क्वेश्चन हटाए गए उनका क्या? वही छह क्वेश्चन जो कैंसिल, तो उनके मार्क्स मिलेंगे? हाँ सर, वो क्योंकि एक्यूरेसी के हिसाब से सबको मिलेंगे क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल तो नहीं करेंगे उनको, कुछ मार्क्स। अभी क्या नॉर्मलाइजेशन में कुछ गड़बड़ सकता है? बढ़ेगा। चलिए ठीक है। क्या नाम है? नेहा जैसा। कितने क्वेश्चन आपके सही है? सर 99 क्वेश्चन सही है, पहले 102 सही थे तो कैंसिल जो हुए हैं उसमें 4 क्वेश्चन मेरे सही कैंसिल हो गए हैं तो नंबर मेरे बढ़ गए हैं, पहले 190 थे 198 है। क्या नाम? क्या नाम है? रूबी सिंह। हाँ, कितने क्वेश्चन आपके सही है? सर मेरे 100 सही हैं। 100 सही है, तो कितने में आपका कितने क्वेश्चन डिलीट हुए या कितने? सर मेरे 31 को सेकंड सेट में था तो मेरे पे 7 कैंसिल हुए हैं और 3 ऐसे थे जिनके क्वेश्चन मतलब बी और सी मतलब दो क्वेश्चन माने गए हैं, दो ऑप्शन माने गए हैं उनके, तो मेरे पहले 105 बन रहे थे, अब मेरे कम होकर के 100 बन रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे गर्ल्स का रिव्यू और आपको ये भी पता चल गया होगा जो गर्ल्स नहीं आ रहे हैं और जो बॉयज भी, कि आपके क्वेश्चन कैसे ऐड किए जाएंगे, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए क्योंकि बहुत जल्द फिजिकल आपका आने वाला है। जय हिंद।